उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए, परवाह सदा उसकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 58 और इसमें कवर करेंगे सेट 67 to 72, 67 to 72 जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे इस बुक के, आज हम केवल केवल वही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो लाइन है, जो जीके है, वो है पहली फर्मवेयर। फर्मवेयर एक्चुअली होता क्या है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को जो आपस में कनेक्टिविटी जो करता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर। अगला पॉइंट है सर्वोदय योजना का उदय। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने करा। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि वायुमंडल को कितने भागों में डिवाइड करा गया है, ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। लेयर कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी परत होती हैं, किसका कौन सा काम होता है, जेट कहाँ पे उड़ते हैं, बादल कहाँ पर बनते हैं, ओजोन परत क्या होती है, कितने ऊंचाई पर कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, वो सभी आपने पिछले वीडियो में देखा है। तो मैं ये अभी इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। और अगला पॉइंट है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। अगला है एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। सेट 68। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं आइसो हाइट। नेक्स्ट, किन्नास्वामी अभयारण्य कहाँ पर है, तो यह आपका आंध्र प्रदेश में। और भारत का संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, तो यह आपका अर्ध संघीय स्वरूप। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। और जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित मतलब सिंचित निधि से दिया जाता है। सेट 69। राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और संघ शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। और वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ था। और सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। याद रखना, वर्ष 1896, स्थान था कलकत्ता अधिवेशन, और जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया। स्वतंत्र भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय जनरल कौन थे, के एम करियप्पा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वायुसेना के जनरल एयर मार्शल आशुतोष मुखर्जी थे। उसके बाद सेट 71। अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। और धान की डालियां छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई थी। और कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना। और अशोक का नाम अशोक था वास्तव में, तो ये नाम कैसे पता चला कि उसका नाम वास्तव में अशोक था, तो एक अभिलेख है जिसका नाम है मास्की अभिलेख, इसके द्वारा अशोक का नाम अशोक था ये मालूम हुआ। अगला है आपका अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। और हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासन काल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। नटराज की मूर्तियां चोल काल की हैं। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए अगला पेज भी हम कवर कर लेते हैं। 73 में
रजिया सुल्तान के साथ ही शादी जो हुई थी बठिंडा के सूबेदार अलतुनिया के साथ हुई थी। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन था, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका अमीर खुसरो। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है, अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 ईस्वी में किया था। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था और भारत में सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बंकी ने करवाया था। सेट 74, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेर खान के बीच में हुआ था और मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला पॉइंट है हमारे सामने, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में कब हुई थी? 1792 को। देखिए कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ बहुत छोटी है, बड़ी बनाओ। ठीक है, अब तक वीडियो की लेंथ बड़ी बन रही थी, छोटी बनाने का मेरा रीज़न यही है कि छोटे वीडियो आप लोग बहुत जल्दी वॉच करते हैं। मैंने देखा है कि व्यू भी ज़्यादा आते हैं उसमें और वो वीडियो सर्कुलेट भी अच्छा होता है यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के द्वारा वीडियो सर्कुलेट अच्छा होता है। देखिए बच्चे इसको सोचते हैं कि पीछे पढ़ के कि लंबे वीडियो बनाओ तो मैं चाहे लंबे वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। देखो मुझे गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। अभी लास्ट मंथ 200 वीडियो इस चैनल के रिमूव हुए थे, वो केवल इसी गलती से कि मैंने आपकी बातें थोड़ा सा मान ली थी। लंबे लंबे वीडियो बनाने के बाद में भी अगर मैं कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कोई रेलवे का लेके आता हूँ तो रिप्लाई नहीं आते उस इंसानों के जो ये कहते हैं कि सर लंबे वीडियो बना। अगर तुम पढ़ने वाले तो एमसीक्यू क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट क्यों नहीं करते हो? क्या रीज़न है इसका? आपका कोई रिप्लाई नहीं आता। अगर मैं नॉर्मल इसमें से भी बुक में से भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ सरप्राइज, तब भी आपका रिप्लाई नहीं आता। तो या तो आप सिंपल ऑफलाइन सेव करके आराम से तसल्ली से बाद में पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में, अभी या तो वीडियो इकट्ठे कर रहे हो या फिर बुक इकट्ठी कर रहे हो ऐसी धारणा के साथ पढ़ रहे हो, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम वक्त के हिसाब से छोड़ देते हैं। तो देखिए तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। अगर कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से करिए, टाइम पास के हिसाब से मत करिए कि बाद में चलो यार इकट्ठा कर दो बाद में पढ़ूंगा, अभी इकट्ठा कर दो बाद में पढ़ूंगा। मेरे पास हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के नाम जो मैं नहीं लेना चाहूँगा इस चैनल पर, तो मुझे उन्होंने कई बार कॉल भी करी, मुझे इतना परेशान करा कि सर लंबे वीडियो बना। मैंने ठीक है अगर ऑनलाइन कोई लाइव स्ट्रीम में कोई क्वेश्चन पूछा वो वैसे ऑफलाइन थे उस टाइम पे भी, जब तक बातें चलती रहे तब तक सही है, वीडियो मिलते रहे सही है। लेकिन मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ तो क्वेश्चन का रिप्लाई करो मुझे, वो मुझे आंसर तो भेजो कम से कम। मुझको भी चले बता कि आप कितने एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। एक होता है इकट्ठा करने वाला स्टूडेंट, ये भी वीडियो भी इकट्ठा कर लो, ऑडियो भी इकट्ठा कर लो, बुक भी इकट्ठा कर लो, इंस्टीट्यूट के नोट्स को फोटो कॉपी करा वो भी इकट्ठी कर लो। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट प्लीज़ मत बनो, बाकी आपकी मर्जी। बढ़ता हूँ आगे, दूसरी बार वास्को डिगामा जो भारत में आया था वो कब आया था? वो आया था 1502 में और भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में और इलाहाबाद के संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी। अब ये बुक एक्चुअली बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, अब तक नोटिफिकेशन देख ली नहीं आया है। आप सोचिए मैं तो अपने सब काम फास्ट ही कर रहा हूँ आपके अकॉर्डिंग, अब थोड़ा मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था और जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1753 ईस्वी में घटी थी और चीनी क्रांति डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में हुई थी। प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको बोलते हैं सीएसओ, सीएसओ के द्वारा जारी करता है। ये सीएसओ जारी करता है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये वर्ष याद रखना 1969 में, इसको अवकाश योजना के काल में ये हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? प्रधानमंत्री। एक विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और देश में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है और भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम था और सिक्किम की प्रमुख जातियां लेपचा एवं भूटिया हैं। सेट 77,
पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है और उल्टा फहराया हुआ झंडा किस प्रकार का प्रतीक होता है? वो होता है असीम संकट का, मतलब बहुत बड़े संकट का प्रतीक होता है उल्टा झंडा। सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया प्राणी कौन था? तो वो था आपका कुत्ता। यूरिया खाद से पौधों को क्या मिलता है? वो मिलता है नाइट्रोजन, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट है। प्राचीन ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो है आपका शतपथ ब्राह्मण, सेट 78। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मिथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन तुर्क बलबन था, और मोहम्मद गौरी का शव गजनी में दफनाया गया था। वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा प्रभाकर वर्धन था, और खारवेल शासनकाल की जानकारी हाथी गुफा शिलालेख से मिलती है। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर है। ध्यान रखना, क्रिकेट पिच की लंबाई कई बार एग्जाम में पूछ लेता है तो कितनी है, अगेन बोलिए आप लोग, 20.12। तो हमने कवर करे ये 67 to 78। अब आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी ओर से। भारत में अंतरिक्ष आयोग संगठन की स्थापना कब हुई? भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई वो वर्ष मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। इससे पिछले से पिछला कोई वीडियो था, अभी देखेंगे कि आप कितना भूले। एक्टिव सब्सक्राइबर, एक्टिव स्टूडेंट मुझे इसका पक्का रिप्लाई करेंगे, और जो करते हैं इकट्ठी चीज़ों को वो रिप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इसको सेव कर लो, आगे कभी काम आएगा, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो फिर उससे अगले साल। भाई फॉर्म तो निकलते रहते हैं, क्या दिक्कत है ना भाई? पहले इकट्ठे करो 3-4 साल तक अपना स्टडी मटेरियल, उसके बाद में पढ़ना, राइट? और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट उनको बोलूंगा कि ढेर पे बिलीव मत करना, आप लोग किताब की ढेर लगाने पे बिलीव मत करना, जो करना है अभी करना है, उसके पीछे बस पड़ जाना है। जैसे कि ये बुक आप देख रहे होंगे, इसके अलावा 2 बुक के और वीडियोस यहाँ पे चल रहे हैं, जो रेलवे की ही बुक है स्पीडी, तो उन सब वीडियो का वॉच करिए, ईमानदारी से पढ़िए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा, एग्ज़ाम मार्च के एंड में ही हो जाएगा, तो इसलिए अभी से लग जाइए तैयारी पे। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, टेलीग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, एंड कमेंट तो मुझे आप पक्का करिएगा इसका आंसर क्या था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।